अगली खबर का रुख कर रहे हैं। प्रदेश में हुए पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी 4 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहेंगे। ये बता दें कि ये घेराव बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से होगा और इसके जरिए बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर यह प्रदर्शन होगा। दूसरी ओर 4 मार्च को ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सालासर में जन्मदिन मनाकर शक्ति प्रदर्शन भी करेंगी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया और कहा कि बीजेपी में गुटबाजी स्वरम पर है। आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। राजस्थान की कांग्रेस के खिलाफ जमकर हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजन करेगी। युवा मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन है। वहीं दूसरी ओर सालासर में 4 मार्च को ही वसुंधरा राजे सिंधिया जो है अपना जन्मदिन मनाएगी, शक्ति प्रदर्शन करेंगी। ऐसे में सियासी हलकों में ये चर्चा है कि भाजपा के बीच में जो है पार्टी के अंदर जो है टकराव की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी निशाना साधा है। खाचरियावास ने कहा है कि भाजपा में टकराव है, अंदर फूट पड़ी हुई, आने वाली सरकार जो है कांग्रेस की रिपीट होगी। वहीं रामलाल शर्मा ने कहा कि दोनों अलग अलग कार्यक्रम है। बहरहाल देखने वाली स्थिति ये होगी कि इन दो कार्यक्रमों के बाद में क्या भाजपा में बड़े कोई आदेश हो सकते हैं या क्या गुटबाजी और ज्यादा बढ़ सकती है, ये तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी निर्मल के साथ रहमतुल्लाह खान, इंडिया न्यूज़, जयपुर।